यहाँ हमें चार पॉइंट्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कि ये पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फाइंड करना है। अब इन पॉइंट्स को हम ए बी सी एंड डी ले लेते हैं और एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है या नहीं ये चेक करने के लिए पहले हमें ये साइड्स फाइंड करने होंगे ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये चारों साइड्स फाइंड कर लेते हैं। अब पहले ए बी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब ए बी के लिए ए पॉइंट हो जाएगा एक्स वन वाई वन, बी होगा एक्स टू वाई टू। ए बी हमें मिल जाएगा अंडर रूट सेवन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा थ्री स्क्वायर नाइन प्लस वन विच इज इक्वल टू अंडर रूट टेन। ए बी आ गया अंडर रूट टेन। सिमिलरली बी सी के लिए बी हो जाएगा एक्स वन वाई वन, सी हो जाएगा एक्स टू वाई टू। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा फोर माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सिक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा अंडर रूट एटीन। सिमिलरली सी डी फाइंड करेंगे तो सी हो जाएगा एक्स वन वाई वन, डी हो जाएगा एक्स टू वाई टू। सेम फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी आ गया अंडर रूट टेन। अब ए डी फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ ए हो गया एक्स वन वाई वन, डी हो गया एक्स टू वाई टू। तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए डी मिल गया अंडर रूट एटीन। अब चारों साइड्स फाइंड कर लिए हमने, तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी बी सी, मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल के अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।